आपके साथ हुआ वो पूरी कौम ने देखा, ठीक है। आप बिल्कुल अकेले नहीं है और आपका वो वर्ड हम सबके जहनों में घूमता है, घबराना नहीं है। तो सर मैं आपको पूरी कौम के बिहाफ पे कह रही हूँ, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। और आप इसी तरह से जो है ना, हम आपके जो है ना पीछे हैं। तो एक सवाल जो मेरा अहम है वो ये, इंटीरियर सिंध और सिंध के हिसाब से, क्योंकि मैं कराची से बिलोंग करती हूँ, सर हम पीटीआई को सिंध में देखना चाहते हैं, हम तंग आ गए हैं। तो मुझे प्लीज़ थोड़ा शेयर करेंगे क्या प्लान टेबल पे है कि हम किस तरह से ग्राउंड ग्राउंड रूट लेवल तक पीटीआई को मुतहरक करेंगे और हम किस तरह से जो है ना फिर वो वोट में ट्रांसलेट कर सकते हैं जो हमारी हिमायत है वहाँ। प्लीज़ थैंक यू। देखिए डॉक्टर नाज, जो सिंध है और ख़ास तौर पे इंटीरियर सिंध में वो हालात हैं जो कि एक वक्त कराची में एनक्यूएम की जब जब खौफ था लोगों का, वो अब इंटीरियर सिंध में है। ये जो जरदारी माफिया है वहाँ, ये इतने लोग डरते हैं इनसे, पुलिस को ये इस्तेमाल करते हैं, झूठे केसेस ये बनाते हैं, लोगों को इन्होंने बिल्कुल गुलाम बनाया हुआ है। लोग इनसे इतना खौफजदा हैं कि कोई इनके सामने खड़ा नहीं होता, और ये फिर हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए ये इन्होंने इसके बावजूद कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में करप्शन है, सिंध में सबसे ज़्यादा वहाँ अंडर डेवलपमेंट है, गुरबत ज़्यादा इंटीरियर सिंध में है, लेकिन वो लोग इनसे इतना खौफजदा हैं कि कोई खड़ा नहीं होता। तो मैं इंशाल्लाह इस बारी जब इलेक्शन है, मैंने पूरा इरादा किया हुआ है कि इंटीरियर सिंध की मैं कैंपेन करूँगा, और मैं उनके जितनी ज़्यादा आज़ादी या हकीकी आज़ादी की इंटीरियर सिंध में ज़रूरत है, शायद बाकी पाकिस्तान में नहीं। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कैंपेन करूँगा इस बारे आगे। ठीक है सर एक क्वेश्चन ये है, जिब्रान आप अगला स्पीकर ले, मैं तब तक एक क्वेश्चन कर रहा जी, हूँ बिल्कुल कि ठीक। अभी जो एक कोलिशन बना है इंपोर्टेड गवर्नमेंट का, इसमें एक बहुत ज़्यादा डायनेस्टिक रूप आया है, डायनेस्टिक पार्टीज हैं और उस पर एक बहुत ज़्यादा अवाम का रिएक्शन आया है। सो द क्वेश्चन इज कि इन पार्टीज के अंदर जो कि इतनी बड़ी पार्टीज हैं, इनमें से इस चीज़ के खिलाफ रिएक्शन क्यों नहीं आता कि क्या वजह है कि शरीफ जो है वो पीएम बनेगा तो दूसरा शरीफ जो है वो सीएम बनेगा, चाहे केसेस हो चाहे कुछ हो। तो इन क्वेश्चन इज कि इन पार्टीज, आपका क्या ख्याल है, इन पार्टीज से क्यों नहीं रिएक्शन आता? देखिए, सबसे पहले तो ये दोनों पार्टीज बड़ी पार्टीज नहीं, अब रह गई, ये बड़ी पार्टीज थी। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी पाकिस्तान में, वो एक नेशनल पार्टी थी। ये अब सिर्फ इंटीरियर सिंध की पार्टी रह गई, और जो नून लीग थी वो भी एक वक्त पे उसने सारा जो जो राइटिस्ट वोट था वो खींच के वो इसने एक दफा दो तिहाई अक्सरियत ली थी, वो भी अब सेंट्रल पंजाब की पार्टी रह गई। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये फैमिली पार्टीज हैं, और एक तो पब्लिक के अंदर वो लोग सोचते हैं कि स्वाय इनके खानदान के इनको और कोई नजर ही नहीं आता। ये बिल्कुल मेरिटोक्रेसी के खिलाफ है। देखिए, डेमोक्रेसी क्यों छोड़ गई थी बादशाह को पीछे, क्योंकि डेमोक्रेसी में दो चीजें थी जो बादशाह में नहीं थी, एक रूल ऑफ लॉ कि सब कानून के नीचे हैं, और दूसरी मेरिटोक्रेसी कि जो भी ऊपर परफॉर्म करता है वो ऊपर आ सकता है। ये बिल्कुल ही निगेशन है डेमोक्रेसी, ना इनके अंदर कोई रूल ऑफ लॉ है, ये सारे इनके ऊपर करप्शन के केसेस है 30 साल से और ये ऊपर बैठे हुए हैं, और दूसरा कोई मेरिट नहीं है। अब वो इनके जो बच्चे हैं, मसन मरियम है या वो है हमजा है या वो जो बलावल है, इन्होंने जिंदगी में कोई काम ही नहीं किया, इनके कोई क्रेडेंशियल्स ही नहीं है वहां बैठने के। और ये वो लोग हैं जो प्रिविलेज्ड हैं, ये बादशाहों की तरह शहजादों की तरह रहे हुए, इनको आम आदमी का भी समझ नहीं है, इनकी कोई ट्रेनिंग भी नहीं है। बादशाह भी था तो उनके प्रिंसेस की बड़ी ट्रेनिंग होती थी, इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन प्रिविलेज लोग हैं। और सबसे इनकी जो पार्टीज जो क्यों सुकड़ के छोटी सी पार्टीज रह गई हैं, क्योंकि इनके नीचे लोग जो हैं वो दरबारी बन गए इनके, वो इनको क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह बादशाह के कोर्ट में दरबारी होते हैं, दरबारी बन चुके हैं। इनके अंदर कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है इनके जो दरबारी हैं, कि ये इनमें से बड़े काबिल लोग हैं, लेकिन वो इनके पीछे मरियम के पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं या बिलावल के पीछे। तो इसलिए ये जो इनकी पार्टीज हैं ये बढ़ नहीं रही हैं, कम हो गई हैं। तहरीक इंसाफ क्यों एक अब वाहिद पाकिस्तान की फेडरल पार्टी रह गई है, क्योंकि तहरीक इंसाफ में कोई फैमिली नहीं है, इमरान खान के रिश्तेदार नहीं है, या मेरिटोक्रेसी है, मुराद सईद जैसा आदमी ऊपर आ सकता है, अली मोहम्मद आ सकता है, जो भी हमारी जो परफॉर्म करता है ऊपर आ सकता है, इसलिए ये मुकाबला नहीं कर सकते हमारा।
जी जिब्रान, एक क्वेश्चन काफी लोगों ने पूछा है कि देखिए 99% या 95% मीडिया आपके खिलाफ है खान साहब, और जो रह गए हैं ये जो 5%, इन इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोगों को बड़ा गुस्सा है मीडिया पे भी काफी, तो आप इनके बारे में क्या कहेंगे जो हक की बात करते हैं, जो फेयर बात करते हैं और प्रेशर में नहीं आते? जी जबरान, देखिए हमारे 3.5 साल में हम सुनते रहे कि जी मीडिया के ऊपर बड़ी सख्ती कर रहे हैं और हम पता नहीं मीडिया के ऊपर क्या जुल्म कर रहे हैं। आज आप उठा के देखें कि सबसे फ्री मीडिया हमारे दौर में था। कभी गवर्नमेंट की इतनी ज्यादा खुली क्रिटिसिज्म नहीं हुई और नाजायज क्रिटिसिज्म हुई, और उसके अंदर प्रोपेगेंडा हुआ गवर्नमेंट के अगेंस्ट, फेक न्यूज निकाले गए गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और कभी इस तरह फ्री रन मीडिया को नहीं मिली जो हमारे दौर में मिली। और बार बार हमें ये अटैक किया जाता था सो कॉल्ड लिबरल्स के जी बड़ा मीडिया पर सख्ती है, और हर किस्म के मैंने कि ये जर्नलिस्ट थे जो बड़े हमारे अगेंस्ट कॉन्स्टेंट कैंपेन करते थे। आज आप देखें कि सारा जो मीडिया है, तकरीबन थोड़े से निकाल दें बीच में से, सारा मीडिया ब्लैकआउट कर रहा है हमें, सारे मीडिया के ऊपर कैंपेन चल रही है हमारे अगेंस्ट। इसकी वजह क्या है? मीडिया के जो ओनर्स हैं वो कोऑप्ट कर लेते हैं अपने साथ। ये करते क्या है, ये जो स्टेटस को है, ये जो पूरे माफियाज हैं उसके अंदर उनको साथ मिला लेते हैं, और मीडिया के जो ओनर्स के इंटरेस्ट हैं वो इंटरेस्ट को वो देख लेते हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट को, और वो फिर इनके टूल बन जाते हैं प्रोपेगेंडा के। और आप दूसरी चीज देखेंगे कि डायरेक्ट ये फिर फंड करते हैं जर्नलिस्ट को, एंकर्स को, डायरेक्ट फंडिंग जाती है और फिर बैरूनी फंडिंग जाती है। मुझे 3 महीने पहले पता चल गया था कि बाहर से पैसा चल रहा है हमारे जर्नलिस्ट के ऊपर, एंकर्स के ऊपर। 3 महीने पहले मुझे एक एंकर ने आके बताया था कि पैसा चल रहा है और हमें ऑफर्स मिल रहे हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली मीडिया को कोऑप्ट कर लेते हैं ये जो पावरफुल इंटरेस्ट है, माफियाज है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया में ऐसी जबरदस्त अवेयरनेस है कि वो जो जो नॉर्मल मीडिया है उसके लिए मुश्किल हो गया कंपीट करना सोशल मीडिया से। अगर ये मीडिया कामयाब होता तो आज इस तरह पब्लिक तो ना हमारे साथ निकलती। अनप्रेसिडेंटेड, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे पब्लिक नहीं निकली। इंशाल्लाह कल मीनारे पाकिस्तान में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं तो 26 साल पब्लिक की, अवाम की पॉलिटिक्स करके आया हूँ। इंशाल्लाह कल पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड क्राउड आएगा। वो क्यों आएगा? वो अगर आप ये मेन स्ट्रीम मीडिया देखें तो उनको तो नहीं निकलना चाहिए, तो हर वक्त नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, क्योंकि वो सोशल मीडिया के जरिए इंफॉर्मेशन आप कोई नहीं रोक सकता उसको। ठीक है खान साहब।